साउथ गाजा शहर रफा के क्षेत्र में इसराइल ने हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हैं। हालांकि इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑल आईज ऑन रफा काफी ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना तक कई इंडियन सेलेब्स ने गाजा के समर्थन में अपने ये पोस्ट किए। देखिए, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, रश्मिका मंदाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा जैसे तमाम मशहूर हस्तियों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑल आईज ऑन रफा पोस्ट किया और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन दिखाया। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा की पत्नी रुतिका के पोस्ट के बाद कुछ देर के लिए उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग उन्हें कश्मीरी पंडित और भारत के अन्य मुद्दों पर अपनी बात ना रखने के लिए ट्रोल करने लगे, जिसके बाद क्या था, इसके बाद रुतिका ने अपने इस इंस्टाग्राम से उस पोस्ट को डिलीट ही कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना की गलती को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि एक दुखद गलती है। हालांकि इसराइली सेना ने खुद इस बात का दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने रफा में हमास के परिसर पर हमला किया और ये हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड जो है अब वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ चुका है। We'll be right back.